रविंद्र जी, आप भी काफी लंबे समय से हैं कमोडिटी से जुड़े हुए, आपके भी क्लाइंट्स भी होंगे, हर तरह के क्लाइंट्स होंगे, उन लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या लग रहा है? अगर हम जागरूकता, अगर एंड यूजर तक पहुंचना है, छोटे छोटे कंज्यूमर, छोटे छोटे किसानों तक अगर पहुंचना है, तो क्या करने की जरूरत है? आपकी सलाह क्या है? मेरे हिसाब से देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अवेयरनेस है। एंड आई थिंक अवेयरनेस, मैं ये नहीं कहूँगा कि अवेयरनेस में कहीं कमी है, बिकॉज एक्सचेंज के साइड से भी काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, इंटीरियर्स में होते हैं, तो आई थिंक वहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। येस, और थोड़ा सा एजुकेशनल सेशन जो है वो होनी चाहिए। और अगर आप एक्सचेंज का पार्टिसिपेशन भी देखें, तो पार्टिसिपेशन में जो कॉर्पोरेट्स है उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है, बट जो एग्री डेरिवेटिव्स, आई थिंक दैट इज ऑल्सो मेंट फॉर फार्मर्स, क्योंकि उनको उनका जो प्राइस रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि हमने भी देखा है कि मार्केट्स इतने वोलेटाइल है, एंड विद चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो अपने जो प्रोड्यूस है उसे हेज करे। और उससे क्या है कि उनका जो भी नुकसान होता है बिकॉज ऑफ अनइवन रेनफॉल और जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस है, उससे एक उनको 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 रिस्क बेनिफिट मिले। तो मेरे हिसाब से इसलिए जो लोअर लेवल्स है, जैसे आपने राइटली कहा, जो लोअर लेवल्स है वहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे कपिल ने भी कहा, अनुज ने भी कहा, मेरे ख्याल से जो जो बीच बीच में जो कमोडिटीज डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, आई थिंक दैट ब्रिंग्स डाउन द कॉन्फिडेंस। जो हेजर्स है, हेजर कम्युनिटी है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी लो हो जाता है। अगर आप इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स देखें तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन जैसे कपिल ने राइटली कहा कि इंडिया इज अ एग्रीकल्चरली सेंसिटिव कंट्री, और यहाँ पे आई थिंक वो एक चैलेंज हो सकता है, बट इसे हमें थोड़ा बहुत, आई थिंक इसे इसे आई वुड से कि थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। एंड आगे जाके मुझे लगता है कि दिस विल बी स्ट्रीमलाइन, क्योंकि अगेन इट टेक्स टाइम। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि एक इकोसिस्टम सिस्टम डेवलप करने के लिए टेक्स टाइम टू डेवलप द एंटायर इकोसिस्टम, और इसके वजह से मेरे हिसाब से हमें और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। एंड धीरे धीरे मुझे लगता है कि सब कुछ स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगर आप नॉन एग्रो कमोडिटीज देखें तो उसमें ऐसा कोई एज ऑफ नाउ कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंडिया इज अ एग्रीकल्चर कंट्री, और एग्रीकल्चर को लेके थोड़ा सा सेंसिटिविटी होता है, तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे वो निकल जाएगा। एंड वी विल ऑल्सो सी अ रोबस्ट एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स एज वेल अलॉन्ग विद द कॉर्पोरेट्स।